Hey guys, what's up everybody? This is your boy Adi and welcome back to another video. ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई है, कुछ चीज के बारे में बताऊंगा. मैंने क्या पहले भी ये वीडियो बनाया है कि टिप्स टू रीच योर फिटनेस गोल, ये मेरी वीडियो है तो उसको आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. इसमें मैंने बताया है कि अपने जिम के ट्रेनर कैसे होते हैं, कैसा कैसा वर्कआउट सिखाते हैं. हर जिमों में नहीं होते, कुछ जिमों में होते हैं कि ट्रेनर कैसे होते हैं, बंदे जो भी आ रहे हैं बिगनर्स खास करके कैसा वर्कआउट लगाते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं, फॉर्म क्या रहता है उनका. तो सबसे जरूरी चीज क्या है आपका? नॉलेज. नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. कहीं से भी आप नॉलेज दो, नॉलेज लो पहले आप वर्कआउट के ऊपर, फिटनेस के ऊपर, जो वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो किस चीज के लिए. जैसे लेग हो गया, डेडलिफ्ट हो गई, अपना बैक वर्कआउट हो गया, अपना शोल्डर, जो भी वर्कआउट आप कर रहे हो उसके बारे में क्या क्या कैसे परफॉर्म करनी है उस एक्सरसाइज को. नॉलेज मैं देखता हूँ जिम में कुछ भी लगा रहे हैं, शोल्डर प्रेस कर रहे हैं, कुछ भी प्रेस लगा रहे हैं, वो फ्रंट रेज कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, याहू नहीं भैया, फॉर्म परफेक्ट होना चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए. ठीक है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कोई भी चीज जर्क नहीं देना है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए अगर आप वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो. तो इन सब चीजों के लिए क्या जरूरी है? नॉलेज. नॉलेज आप कहाँ से ले सकते हो? सबसे अच्छा सोर्स तो है यूट्यूब, आप यूट्यूब से ले सकते हैं. तो नॉलेज सबसे जरूरी चीज है, और पहली बात तो ये. दूसरी बात क्या? दूसरी बात मैंने देखा है बंदों को, बंदे बंदियों सबको देखा है, जिम आते हैं, वर्कआउट लगाते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं, अरे यार कोई बदलाव नहीं आ रहा, दो तीन महीने हो गए, अरे यार कुछ हुआ नहीं, चेंज नहीं आ रहा है बॉडी में, यार क्या कर रहा हूं मैं, यार जिम लगा रहा हूं फिर भी नहीं हो रहा है, प्रोटीन ले रहा हूं फिर भी नहीं हो रहा है. क्यों इसके भाई? डाइट, प्रोटीन भी ले लोगे ना, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो प्रोटीन भी कुछ काम नहीं करेगी, वर्कआउट सही लगाओ तो कुछ नहीं काम करेगा. तो डिमोटिवेट मत हो, उसकी कोई भी चीज करने के लिए टाइम लगता है. अब तुम पैदा होते ही सीख जाओगे चलना, इसी तरह तुम दो तीन महीनों में हर चीज नहीं सीख जाओगे, तो थोड़ा टाइम तो बनेगी बॉडी भैया, बनेगी. हम भी लगा रहे, हमें भी लगता है यार हमारी बॉडी नहीं बन रही, हमें भी कभी कभी डिमोटिवेट, लेकिन हम लोग है स्टेबल है, अभी लगा रहा हूं वर्कआउट कर रहा हूं, बॉडी बना रहा हूं, अच्छी खासी बन जाएगी. किसी को देख के ईगो, जैसे हाँ ईगो लिफ्टिंग सबसे जरूरी है. लोगों को देखता हूँ, बंदा अच्छा है, हैवी है, काफी सालों से वर्कआउट कर रहा है इसलिए वो अच्छे परफॉर्म कर रहा है, अच्छे वेट्स उठा रहा है. लेकिन जो बिगनर्स आते हैं और थोड़ा जो भी थोड़ा दो तीन महीने या पांच छह महीने, उनको देख के लगेंगे हैवी वेट उठाने, लगा रहे डेड लिफ्ट लगा लिए 200 kg और साला फॉर्म देखो, बैक पे लोड आ रहा. परफॉर्म करना ढंग से तो पहले सीखो, धीरे धीरे बढ़ेगा. आप वेट कम से स्टार्ट करो, वेट कम से स्टार्ट करोगे तो आप स्टेबल तो रहोगे कम से कम, धीरे धीरे सीखोगे तो कम से कम. तो पहले स्टेबल बनो, अपने आप को स्टेबल करो, कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए किसी चीज को परफॉर्म करने के लिए. कोई भी वर्कआउट लगा रहे हो तो सही से लगाओ, गलत परफॉर्म मत करो. फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म अगर आपको बिगड़ेगा तो कहीं कुछ ना कुछ आपको, कभी बैक पेन होगा, कभी लेग वर्कआउट लगाओगे तो लेग में पेन होगा, कुछ भी वर्कआउट लगाओगे तो होगा. तो सबसे जरूरी चीज है नॉलेज और धैर्य, कंसिस्टेंसी, दो चीजें जो है इनको बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसको ध्यान में रखते हुए आप वर्कआउट किया करो, और नॉलेज सबसे जरूरी. तो नॉलेज आप लो, कहीं से भी लो, गेन यूट्यूब से लो, जहां से भी आपको मिल रहा है लो, किसी बंदे से लो, हमसे लो, हम भी अभी बहुत नॉलेजेबल नहीं है, हम भी सीख ही रहे हैं, सीखना कभी बंद नहीं होता है. तो सीखो, जितना हो सके सीखो, सीख तो हमेशा सीखते ही रहोगे, कुछ ना कुछ सीखोगे ही. तो सीखते रहो, और इतना ही था, ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ. तो थैंक यू, बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड तब तक के लिए.